गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने में सिर्फ एक दिन बाकी है। 15 जून की शाम तक ये कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। वहीं इस बीच द्वारिकाधीश मंदिर के शिखर पर दो ध्वज फहराए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि आपदा से निपटने के लिए किया गया है। ये मंदिर से जुड़ी प्राचीन मान्यता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस तरह की घटना पहली बार हो रही है। वही परंपरा के मुताबिक सोमनाथ की द्वारिकाधीश मंदिर के मुख्य शिखर पर 5 बार ध्वज बदला जाता है। वहीं 13 जून को यहाँ ध्वज नहीं फहराया गया, इसके नीचे दो ध्वज फहराए गए हैं। दो ध्वज एक साथ फहराने के पीछे एक मान्यता है। कहा जाता है कि इससे आपदा टल जाती है। वहीं स्थानीय तीर्थ पुरोहित ने मंदिर के शिखर पर दो ध्वज फहराने के बारे में स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय के कारण द्वारिकाधीश के मंदिर के ध्वज स्तंभ पर ध्वजारोहण नहीं हो पा रहा। ऐसे में पुराने ध्वज को नीचे छोड़ नया ध्वज फहराया गया है। कई श्रद्धालु इसे चक्रवात से अनहोनी को टालने के लिए आस्था से जोड़कर भी देख रहे हैं। फैक्ट यही है कि इस झंडा फहराने के लिए ऊपर जाने वाले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो ध्वज फहराए गए और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन ने ये तय भी किया है कि 17 जून तक मुख्य शिखर पर नया ध्वज नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है। वहीं मंदिर पर 52 गज का ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है। ऐसे में ये साफ हो चुका है कि साइक्लोन बिपरजॉय की आपदा को टालने के लिए नहीं बल्कि ध्वजारोहण करने वाले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो ध्वज फहराए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।